और यहाँ पे भी आप बेहतरीन एक्शन करती नजर आ रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? खास करके जो गाना हमने आज देखा उसके बारे में जानना चाहूंगा। और बैक टू बैक एक्शन फिल्में कर रही हैं आप, कोई खास वजह फिल्में इस तरह से मिल रही हैं या आप खुद प्रेफर कर रही हैं एक्शन करने के? नहीं, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक्शन फिल्में बैक टू बैक आई मेरे पास। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे दोनों रोल्स बहुत पसंद आए और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। स्टाइल ऑफ एक्शन भी दोनों फिल्मों में बहुत अलग है। सो हाँ, एंड मुझे एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है और उनका हिस्सा बनना पसंद है। सो और रोल वॉज फैंटास्टिक, तो उन सब रीजन्स के लिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी। और अदर देन दैट, अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म में एक यू नो लार्जर देन लाइफ अप्रोच हो, ऐसा संदेशा देने के लिए कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और जब मैंने ये गाना सुना, सच्ची मेरे एक्चुअली हर बार जब मैं सुनती हूँ, आज भी मैंने सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी वेरी पेट्रियाटिक, इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी टचिंग। एंड आज के दिन आई थिंक हर इंडियन को इससे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। सो आई फील आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव अ सॉन्ग लाइक दिस इन आवर फिल्म, और आई होप दैट इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ इंडियंस टुडे।